जनपद झांसी के थाना चीर गांव अंतर्गत एक ही परिवार के तीन लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना का कारण बेटी की मौत बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने जानकारी देते हुए बताया कि चीर गांव थाना के अंतर्गत पहला पूरा अरविंद पांडे 45 वर्ष, उनकी पत्नी रेखा 40 वर्ष और बेटे छोटू जो कि 11 वर्ष के साथ रहता था। अरविंद की बेटी की मौत फरवरी माह में हो गई थी। बेटी की मौत के बाद अरविंद और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। अरविंद और उसकी पत्नी रेखा व छोटू ने जहर खा लिया, जिससे अरविंद उसकी पत्नी रेखा की मौके पर ही मौत हो गई। छोटू को मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता विक्रम पटेल की रिपोर्ट। कस्बा चिरगांव में अरविंद पांडे जी के यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे सहित आत्महत्या की है। इसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि सुबह बेटा उनके पास आया था, जिसमें कि उसने कहा कि उसके घर के सभी सदस्यों ने जहर खा लिया है, जिस पर उनके जो ताऊजी हैं वो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और बाकी जो उनके मदर फादर हैं उनका शव मौके पर पड़ा है। इस संबंध में ये बताया गया है कि उनकी बेटी जो लगभग 17 वर्ष की थी, जिसकी मृत्यु अभी 3 महीने पहले हुई है, उससे ये लोग काफ़ी अटैच थे और उसी की वजह से उन लोगों ने ये कदम उठाया है। अभी मौके पर जाँच की जा रही है और जैसे भी कार्रवाई हो उस हिसाब से आगे।